रिलीज़ ऑफ़ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉजी फॉर द पोस्ट ऑफ सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड टू रिजर्व फॉर मेल ओनली अंडर द पोस्ट कोड सेवेंटी थ्री स्लैश ट्वेंटी थ्री इन डी टी एल तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर निकला था अ क्लोजिंग डेट इसकी बीस बारह दो हजार तेईस थी एंड इसमें नाइन्टी वैकेंसीज निकली थी यू आर की थर्टी एट ओ बी सी की ट्वेंटी फोर एस सी की थर्टीन एस टी की जीरो सिक्स ई डब्ल्यू एस की नाइन इंक्लूडिंग पी डब्ल्यू बी डी कैटेगरी सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम आप लोगों का हुआ था सत्ताईस जुलाई दो हज़ार चौबीस को तो जो भी मार्क्स थे एटीन फोटी एट कैंडिडेट्स जो एक हज़ार मतलब एट फोर्टी एट कैंडिडेट्स जो थे रिटर्न एग्जाम में प्रेजेंट हुए थे बोर्ड तो कैंडिडेट्स अपने मार्क्स को देख सकते हैं अपने ओ ए आर एस का मॉड्यूल से यहाँ पर वेबसाइट पर जाके तो उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली जो उनका टेक्निकल एग्जाम हुआ जिन्होंने इक्वल या मेरिट से ऊपर मार्क्स लिए हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है सो कंग्रेचुलेशन एवरी वन जिन जिनका रिटर्न टेस्ट क्लियर हो गया है तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल नाइन्टी वेकेंसीज़ थी नाइन्टी टोटल है अनरिज़र्व इसमें थर्टी एट है ओ बी सी ट्वेंटी फोर एस सी थर्टीन एंड एस टी सिक्स ई डब्ल्यू एस सिक्स कैटेगरी बी वन टू वन टू यहाँ आप देख सकते हैं तो एग्जामिनेशन स्कीम के अकॉर्डिंगली जो आपकी मैरिट गई है अनरिजर्व्ड की तो वो एट्टी पॉइंट सिक्स फोर गई है ओ की सेवेंटी एट पॉइंट थ्री जीरो एस टी की सिक्सटी एट पॉइंट सिक्स टू और एस की सिक्सटी एट पॉइंट फाइव एट तो यहाँ एग्ज़ामिनेशन के अकॉर्डिंगली जो मैंडेटरी था क्वालिफाइंग uh, मार्क्स टायर एग्जामिनेशन में टायर वन में वो आपको गिवन है तो कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसके सेक्शन ए में नहीं है मतलब जो हम अभी कह रहे थे कि पहले क्राइटेरिया था कि फोर्टी परसेंट सिक्योर करना है बट नाउ देयर इज़ नो क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर बोथ्स सेक्शन ए एंड सेक्शन ए के लिए लेकिन जो कंबाइंड मार्क्स होते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के वो आपके देखे जाते हैं तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो अबव मैंशन पोस्ट में जिनका मैरिट जो है इससे ऊपर गया है उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है टू ई डॉजियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं डिग्री है उन सभी को आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है अगर एडमिट कार्ड से सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को अपलोड करनी है ध्यान रखना है कि जो ई डॉट ईयर लिंक होगा वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगा जिन जो, जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे आप लोग भरने लग जाओ तो ये आप ई डॉच ईयर कल से सत्ताईस ग्यारह से भर सकते हैं ग्यारह बारह दिसंबर तक मतलब ग्यारह दिसंबर तक सो अपना जितना भी आप जब ई डॉच ईयर फिल करेंगे आपकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसेंशियल क्वालिफिकेशन सारी एज़ पर न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स होने चाहिए एंड अबव शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं सेपरेटली इन्फॉर्म करेंगे एस एम एस के एस एम एस के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया होगा जहाँ पर आप लोगों ने जो भी ई मेल आई डी दी होगी रजिस्टर्ड नंबर दिया होगा एज एन एडिशनल फैसिलिटी ओनली अगर कैंडिडेट ने अपने ई डॉजियर कंप्लीट नहीं किए उस टाइम पर तो उसका कैंडिडेटर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कोई फर्दर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी ठीक है तो जो भी कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं फॉर अपलोडिंग ई डॉजियर अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर लें जो लिंक दे रखा है <coughs>

मतलब अगर कोई वैसे तो इसमें बहुत ध्यान से बनाया जाता है तो लेकिन अगर कोई भी करेक्शंस होती हैं तो डी ट्रिपल एस बी इसको डेफिनेटली करेगा रेक्टिफाई सो ऑल द कैंडिडेट्स अपनी तैयारी आप कर सकते हैं अगर आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है तो सत्ताईस ग्यारह से मतलब कल से लेके ग्यारह दिसंबर तक आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं थैंक यू एवरी वन हैव अ नाइस डे